इन दिनों देश के प्रायः सभी टीवी चैनलों पर अभूतपूर्व बाढ़ के कारण बिहार की दयनीय स्थिति दिखाई जा रही है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति सिहर जाता है। जानकारों का कहना है कि बिहार में ऐसी बाढ़ पिछले 50 वर्षों से नहीं आई थी। बिहार के 14 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर और पूर्वी बिहार के 1 करोड़ लोग इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 100 लोगों की जाने जा चुकी है। यह सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बचाव के लिए विशेष सुरक्षा दल बिहार को भेजा है। राहत की सामग्री भी बिहार को दी जाएगी, मगर टीवी चैनलों पर रोते बिलखते बाढ़ ग्रसित लोगों के चेहरे देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 1 करोड़ गरीब जनता इस बाढ़ से ग्रसित हो गई है। उन्होंने न तो खाने के लिए इतने दिनों से कोई पैकेट देखा है और न ही पीने का पानी। लोग घरों से निकलकर ऊंची सड़कों पर बस गए हैं और आकाश की ओर देखते हुए हेलीकॉप्टरों का इंतजार करते रहते हैं। पीने के पानी के अभाव में लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। भोजन सामग्री के जो पैकेट हेलीकॉप्टरों से गिराए जा रहे हैं, वे बाढ़ ग्रसित लोगों के पास नहीं पहुंचकर पानी में बह जाते हैं। ट्रेनें बंद हैं, सड़कें कटी हुई हैं और 21वीं सदी में भी ऐसा लग रहा है जैसे लोग शायद 300-400 साल पहले की जिंदगी जी रहे हों। 2008 में जब कोसी का कुसहा बांध टूटा था, तब लगता था कि लोगों ने भयावह बाढ़ से उत्पन्न होने वाली विपदा से सीख ली है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नेपाल सरकार से आग्रह करेगी कि उन नदियों पर बांध बनाया जाए जो नदियां नेपाल से निकलती हैं। परंतु लाख प्रयासों के बावजूद भी ऐसा संभव न हो पाया। बाढ़ से बिहार को छुटकारा पाने के लिए नेपाल सरकार को यह समझाना होगा कि यह उनके हित में है कि इन नदियों के उद्गम स्थान पर बांध बनाए जाएं। इससे नेपाल की आर्थिक स्थिति सुखद रूप से सुधर जाएगी। उन्हें भूटान की स्थिति के बारे में समझाया जाएगा। भूटान से निकलने वाली नदियों को बांध बनाकर भारत ने बेशुमार बिजली पैदा की है। इससे भूटान की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई ही है, साथ ही पश्चिम बंगाल को भी भरपूर बिजली मिली, जिससे उसके मरणासन्न उद्योग धंधे फिर से जीवित हो गए। कुछ वर्षों पहले जब नेपाल में मित्रवत सरकार थी, तब करीब करीब इस बात पर सहमति हो ही गई थी कि नेपाल से निकलने वाली नदियों पर नेपाल के क्षेत्र में ही बांध और बराज बनाए जाएंगे और उससे प्राप्त होने वाली बिजली से नेपाल और बिहार दोनों को लाभ पहुंचाया जाएगा। भारत का कहना था कि उसने भूटान की नदियों को भी बांधा था, वहां बैराज बनाए और बड़े बड़े बिजली घर बनाए। वहां बहुत अधिक बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से 90% बिजली भारत सरकार खरीदती है, परंतु उसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाता है। नेपाल की सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है, वह भुगतान डॉलर में चाहती है। उसका कहना था कि वह बेशुमार भारतीय मुद्रा को लेकर क्या करेगी। दोनों सरकारें अपनी जीत पर अड़ी रहीं और अंततः इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।